नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नीच के शनि के बारे में। देखिए, जो शनि ग्रह है ये मेष राशि में नीच के होते हैं, और जैसे कि हम लोगों ने अपने पिछले बुध के वीडियो में बात की थी कि बुध ग्रह जो है जब वो नीच का होता है तो अपने ही राशि को वो सेवंथ एस्पेक्ट से देखता है, और हमने उसके रिजल्ट्स के बारे में भी स्टडी किया था। सिमिलरली अगर हम शनि ग्रह की बात करें तो शनि जब नीच में होते हैं, जब मेष राशि में होते हैं, तो अपने टेंथ एस्पेक्ट से वो मकर राशि को देखते हैं। ये सिर्फ दो प्लैनेट्स हैं, एक मरकरी एक सैटर्न, जिसमें आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि जब ये ग्रह नीच के हैं तो ये अपनी ही राशि को एस्पेक्ट कर रहे हैं, और उससे हमें किस प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो शनि ग्रह है वो अगर हम समझे शनि को, तो शनि जो है वो अधेड़ उम्र के व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, यानी एक ओल्ड आदमी को रिप्रेजेंट करता है जो लाइफ में काफ़ी एक्सपीरियंस गेन कर चुका है। इस वजह से वो स्थिर है, वो मैच्योर हो चुका है, उसने लाइफ के एक्सपीरियंसेस देख लिए हैं, काफ़ी कुछ वो ज़िंदगी में गेन कर चुका है। दैट इज़ व्हाट सैटर्न रिप्रेजेंट्स। इसी वजह से आपने देखा होगा शनि जो है, ऐसा कहा जाता है कि पूरे इफ़ेक्ट्स आफ्टर द एज ऑफ 35 जब कोई भी जातक कंप्लीट कर लेता है उसके बाद वो पूरे इफ़ेक्ट्स देते हैं। तो सैटर्न जो है वो एक ओल्ड आदमी को रिप्रेजेंट करता है, ओल्ड एज को रिप्रेजेंट करता है। वो एक कोल्ड प्लैनेट है क्योंकि सन से फार्देस्ट है, एक कोल्ड प्लैनेट है, और वैसे वो एक मैलिफिक प्लैनेट माना जाता है। तो शनि जहाँ पे भी बैठेगा वो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को लेके आएगा। वो मंद गति से चलते हैं तो इस वजह से डिले लेके आते हैं। एक और चीज़ सैटर्न के बारे में कही गई है कि शनि जिस घर में बैठता है उस घर के रिजल्ट्स को डिले तो ज़रूर करते हैं वो, लेकिन डिनाई नहीं करते। और ऐसा माना जाता है कि जिस घर को शनि दृष्टि देते हैं उस घर को वो नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। यह शनि के बारे में जनरली बोला जाता है। अब शनि जो हैं वो तुला राशि में एग्जॉल्ट होते हैं। तुला का अगर आप सिंबल देखेंगे तो वो बैलेंस है, एक तराजू है। इसी वजह से सैटर्न जो है वो प्रोज एंड कॉन्स देख के अपने रिजल्ट देखते हैं कि दोनों साइड्स को तोलने के बाद न्याय जैसे होता है, न्याय को भी हम तराजू से रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज वो गुड और बैड दोनों फैक्टर्स को देखने के बाद कितने सबूत हैं, कितने नेगेटिव पॉइंट्स हैं, कितने पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उनको देखने के बाद ही न्याय अपना फैसला देता है। इसी प्रकार सैटर्न भी जो है वो भी दंडनायक है, इस हिसाब से अपना फैसला देता है। अब अगर मैं मेष राशि की बात करूं तो देखिए, मेष राशि जो है वो जोडियक का पहला साइन है। वो ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है, वो न्यू बिगिनिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। काफ़ी एनर्जेटिक साइन है मेष जो है। ईस्ट जैसे मैंने बताया उसको रिप्रेजेंट करता है, तो सन इसलिए वहाँ पे एग्जॉल्ट होते हैं। और यहाँ पे अगर सैटर्न जब अपने डेब्यूटेशन में है तो मेष में आके बैठ गए, साइन विच हैज़ लॉट्स ऑफ एनर्जी विच रिप्रेजेंट्स फायर। उसका जो तत्व है वो फायर है, इसी वजह से वो पित्त को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न जो है वो कोल्ड है, वो वात एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, विच आर ऑपोजिट्स। तो इसलिए अगर शनि मेष में बैठेंगे तो ही वॉन्ट बी हैप्पी, वहाँ पे वो बिल्कुल खुश नहीं होंगे। बिकॉज आप ये समझिए कि आपने एक बहुत ठंडी चीज़ को तपती आग में बिठा दिया, ऑब्वियसली ही नॉट बी हैप्पी। दूसरी बात, यहाँ पे शनि जो है वो एक मेच्योर ओल्ड प्लैनेट है और आपने उसको मेष में बिठा दिया जो एनर्जी से भरा हुआ साइन है। अब एक बहुत ओल्ड आदमी है, अगर आप उसको ऐसी एक्टिविटीज़ में डालेंगे जहाँ पे खेलना हो, कूदना हो, बहुत एनर्जी चाहिए, वहाँ तो वो वहाँ पे खुश नहीं रहेंगे बिकॉज ही इज़ अ मेच्योर पर्सन। उसको लगता है ज़्यादा एनर्जी से क्या होगा,
आराम से रिलैक्स करके अच्छे से सोचिए और मेच्योरिटी से जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस है उससे डिसीजन दीजिए। लेकिन यहाँ पे मेष राशि जो है इट इज़ फुल ऑफ एनर्जी और यहाँ पे हर चीज़ का रिजल्ट इंस्टेंटेनियस चाहिए। फायर एलिमेंट भी है यहाँ पे, न्यू बिगनिंग्स है, नई चीज़ें हो रही हैं जो सैटर्न लाइक नहीं करते, इस वजह से यहाँ पे वो खुश नहीं है। मूवेबल साइन भी है और शनि जो है उसकी गति बहुत कम है, इसलिए वो इस साइन को इतना लाइक नहीं करते। अब सैटर्न जो है वो एक राशि में लगभग 2.5 साल रहते हैं, सो इस वजह से अगर हम नीच की बात करेंगे तो नीच का जो इफेक्ट है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म तक रहता है, इसलिए आपको काफ़ी कुंडलियों में शनि नीच के मिल जाएंगे क्योंकि 2.5 साल एक राशि में रह रहे हैं। तो अब ये किस प्रकार के रिजल्ट देंगे इसको हमें समझने की कोशिश करनी है। तो देखिए, जैसे मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि शनि जहाँ पे बैठे होते हैं वहाँ के रिजल्ट्स को डिनाई तो नहीं करते हैं लेकिन अच्छे से डिले करते हैं। तो इसी वजह से अगर कुंडली में शनि नीच की पोजीशन पे बैठे हुए हैं तो उस घर के रिजल्ट्स को वो डिले करेंगे, ये तो बहुत क्लियर है। अब जैसे मैंने बताया कि सैटर्न भी मरकरी की तरह जब नीच में बैठते हैं तो अपनी एक राशि को वो दृष्टि देते हैं, इस केस में वो मकर है, यानी मकर राशि को वो दृष्टि दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब वो अपने साइन को देख रहे हैं तो उसको वो प्रोटेक्ट तो करेंगे। बहुत लोग बोलते हैं कि उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं, तो उसको भी हम थोड़ा सा समझते हैं किन केसेस में नहीं आते हैं। तो पहली चीज़, हमें जब इस चीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि जब शनि नीच के हैं और वो मकर राशि को देख रहे हैं तो उस मकर राशि में और कौन से ग्रह प्लेस्ड हैं। सपोज़ कीजिए वहाँ पे कोई और प्लैनेट प्लेस्ड है तो उस प्लैनेट को सैटर्न प्रोटेक्ट नहीं करेंगे और वो प्लैनेट जिन हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको भी वो प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। जो मैंने देखा है इन प्रैक्टिस, अगर मकर राशि में कोई और ग्रह नहीं हो तो मकर के रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं, अगर वहाँ पे कोई और प्लैनेट प्लेस्ड होगा उस हिसाब से रिजल्ट्स मॉडिफाई हो जाते हैं। हमेशा इस चीज़ का हमारे को ध्यान देना है और जो वो प्लैनेट जिन घरों को रिप्रेजेंट कर रहा है उससे रिलेटेड आपको डिले हमेशा मिलेगा। अगर मैं सैटर्न जब नीच साइन में उसके रिजल्ट्स की बात करूँ तो ओवरऑल वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं, ऐसा हर जगह लिखा हुआ है। डिले होता है लाइफ में चीज़ों को मिलने में, प्राप्त करने में। उसके बाद मिजरीज आती हैं जिस भी घर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सैटर्न, बिकॉज ऑफ बीइंग इन अ नीच साइन। तो ओवरऑल इस प्रकार के आपको रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं जब भी सैटर्न नीच राशि में हो। तो अब इसको हम समझने के लिए एक चार्ट का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। तो आप जो ये चार्ट देख रहे हैं सामने, ये वृषभ लग्न की कुंडली है और शनि यहाँ पे आप देख सकते हैं वो मेष राशि के अंदर बैठे हुए हैं जो इस कुंडली के लिए 12th हाउस है। तो बड़ी क्लियर बात है कि यहाँ पे सैटर्न जो है वो 12वें स्थान में नीच के हो गए हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ें अगर आप चार्ट के बारे में देखेंगे तो वो ये है कि शनि जो 12वें में बैठे हैं इसके एग्जैक्टली सामने 6ठे घर के अंदर मंगल और शुक्र भी बैठे हुए हैं। मंगल जो है वो 12th लॉर्ड है इस केस के अंदर और शुक्र जो है लग्न लॉर्ड है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 12th लॉर्ड का, लग्न लॉर्ड का और सैटर्न का जो कि इस केस में 9th और 10th लॉर्ड है, इनका संबंध बहुत स्ट्रांगली बन रहा है। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि सैटर्न यहाँ पे नीच के हैं तो ऑब्वियसली यू नो 12th हाउस में नीच के हो रहे हैं तो कैसे रिजल्ट देंगे हमें समझना पड़ेगा। यहाँ देखिए 12वें में शनि नीच के हो रहे हैं, उसके बाद उसके ऊपर मंगल की दृष्टि है जो 12th हाउस ही है। तो वैसे तो मार्स सैटर्न का एनिमी है लेकिन यहाँ पे मेष उसका अपना घर है तो वो उसको एक तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन सैटर्न वहाँ पे, जैसे मैंने बताया था कि मेष में खुश नहीं होते हैं तो सैटर्न यहाँ पे खुश नहीं है। अपनी 10वीं दृष्टि से शनि जो है 9th हाउस को देख रहे हैं, तो
तो यानी बड़ी क्लियर बात है कि नाइन्थ हाउस के रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं मिलेंगे इस केस में। तो अगर मैं इस जातक की कुंडली के बारे में बात करूं, तो देखिए फादर जो हैं उनसे ये दूर रहते हैं, बिकॉज ही सेटल्ड अब्रॉड और फादर जो हैं वो इंडिया में ही हैं। बिकॉज ऑफ सैटर्न्स एस्पेक्ट ऑन द नाइन्थ हाउस, इनको फादर से बहुत ही जल्दी एज में, यंग एज में ही सेपरेशन हो गया था और अब ये फादर से दूर रहते हैं। जैसे मैंने बताया था कि मकर को देख रहे हैं तो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, वहाँ पे भी वो डिले लेके आएंगे। तो इस चार्ट के अंदर ये चीज़ बड़ी क्लियर है। नाइन्थ हाउस जो है वो भाग्य को भी रिप्रेजेंट करता है, तो भाग्य का जो उदय हुआ वो विदेश जाके हुआ, अपने देश में नहीं हो पाया इनका, बिकॉज भाग्य का जो लॉर्ड है वो नीच का होके बारहवें में बैठा हुआ है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा जो मैंने इन प्रैक्टिस देखी है, वो ये कि जब भी भाग्येश यानी नाइन्थ लॉर्ड नीच का हो जाता है तो ऐसे लोगों को अपने देश में मान्यता नहीं प्राप्त होती, चाहे वो जितना भी उनमें इंटेलिजेंस हो कुछ भी हो, उनको नाइन्थ हाउस के लॉर्ड जो भाग्य का लॉर्ड है उसके नीच के होने की वजह से मान्यता इतनी ईजिली नहीं मिलती, काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। इनके केस में जैसे नाइन्थ लॉर्ड ट्वेल्थ में जाके चला गया, तो इस वजह से इनको अपने बर्थ प्लेस पे जहाँ पैदा हुए, जहाँ इन्होंने पढ़ाई करी, वहाँ पे इनको कुछ भी अचीव नहीं हुआ, इनको फाइनली विदेश जाना पड़ा और वहाँ जाके ही कुड डू समथिंग इन लाइफ। तो सैटर्न के नीच के इफ़ेक्ट्स यहाँ पे इस प्रकार से मैनिफेस्ट हुए। एक तो भाग्य उदय लेट हुआ, जल्दी नहीं हो पाया लाइफ में, ओनली आफ्टर द एज ऑफ 35 इनकी लाइफ में तरक्की हुई, और दूसरी चीज़ फादर से सेपरेशन काफ़ी यंग एज में इनका हो गया, अराउंड द एज ऑफ आई थिंक 30 के आसपास इनका वो सेपरेशन हो चुका था, फादर से दूर जा चुके हुए थे। तो इस तरह के इनको इफ़ेक्ट्स देखने को आपको मिलेंगे यहाँ पे, बिकॉज ऑफ सैटर्न बीइंग डेबिलिटेटेड इन दी 12th हाउस। अब और मैं यहाँ पे चीज़ें कुछ ऐड करना चाहूँगा। देखिए शनि इनका 12th के अंदर डेबिलिटेट हो रहा है, वहाँ से वो सेकंड हाउस को देख रहा है, तो शनि जब दूसरे स्थान घर को देखता है जो कुटुंब स्थान है, तो ऑब्वियसली बिकॉज ही इज लिविंग अवे इन अ फॉरेन लैंड, तो अपनी फैमिली से सेपरेशन यहाँ पे बड़ी क्लियर होके दिखता है। 6th हाउस को देख रहे हैं सैटर्न, तो इनफैक्ट आफ्टर हिज बर्थ इनके एक मामा जो हैं उनका वो भी कुछ मिसहैप हो गया उनके साथ, बिकॉज 6th हाउस रिप्रेजेंट्स योर मामा, जो मदर के छोटे भाई हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, वो चीज़ भी यहाँ पे हुई। ठीक है, उसके केस के अंदर हम ये कह सकते हैं कि मंगल भी वहाँ पे प्लेस्ड है, इस वजह से ये इवेंट हुआ, तो मंगल और सैटर्न दोनों का इफ़ेक्ट यहाँ पे आया, जिस वजह से ये चीज़ जो है वो मैनिफेस्ट हुई। अगर मंगल वहाँ नहीं होते तो अगेन यू नो सेपरेशन ही रहती, यहाँ हो सकता ना बनती उनसे, बट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मास देयर वो मिसहैप हो गया, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तीसरा जो मैं आपको ऑलरेडी फादर के बारे में बता ही चुका हूँ, तो दैट्स हाउ सैटर्न गेव रिजल्ट्स बीइंग इन नीच। अब एक और चीज़ जो मैं इनके बारे में जानता हूँ मैं शेयर करना चाहूँगा, देखिए 12वें में शनि है नीच का, अब ये रहते बाहर है, बट अगेन बिकॉज सैटर्न नीच के हैं वहाँ पे, तो ही इज़ नॉट हैप्पी। बाहर रह के इनके पास सब कुछ है, बट अगेन दैट हैप्पीनेस इज मिसिंग इन हिज लाइफ बिकॉज ऑफ सैटर्न बीइंग इन नीच राशि। तो जब भी आप सैटर्न को स्टडी कर रहे हैं नीच साइन में, आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि वो किस घर को रिप्रेजेंट करता है, वो कहाँ पे प्लेस्ड है, कहाँ पे किस घर में जाके नीच की हो रही है, क्योंकि उससे रिलेटेड रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और वहाँ पे आपको यू नो फीलिंग ऑफ सॉरो मिजरी आएगी। जैसे इनके केस में देखिए, ये बाहर सेटल्ड हैं बट ही इज़ नॉट हैप्पी विद दैट, ही इज़ डूइंग गुड इन हिज प्रोफेशन, अगेन वो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस नहीं है, देर इज़ अ फीलिंग ऑफ शैलोनेस इन हिज लाइफ, उनको लगता है कि हाँ ठीक है मैंने ये किया है बट क्यों किया, क्या बेनिफिट हो रहा है, तो ऑल दैट काइंड ऑफ फीलिंग्स आर देयर इन हिज लाइफ बिकॉज ऑफ सैटर्न बीइंग नीच। सो ये मेरे थॉट्स हैं ऑन सैटर्न
बीइंग इन मेष राशि, जहाँ पे वो नीच के होते हैं। धन्यवाद।